हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मोटोरोला H50 नियो का वाटर टेस्ट करूंगा। इस फोन में IP68 का रेटिंग दिया है, वही चेक करेंगे पानी के अंदर जाने के बाद IP68 रेटिंग कितना अच्छा काम करता है, फोन डैमेज होता है कि नहीं। वाटर टेस्ट करने से पहले कुछ फिजिकल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। चलो कैमरा को ओपन करते हैं। यहाँ पे रियर कैमरा से एक सैंपल खींच लेते हैं और सेल्फी कैमरा से भी दोस्तों एक सैंपल खींच लेंगे। अगर मैं आप लोगों को क्वालिटी दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे रियर कैमरा का क्वालिटी हो या सेल्फी कैमरा का क्वालिटी हो, दोनों ही काफी अच्छा है। इवन दोस्तों अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करूं तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी फास्ट है। देखिए दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो रहा है। इवन दोस्तों हम लोग यहां पे स्पीकर को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, साउंड क्वालिटी थोड़ा सा कम है दोस्तों, थोड़ा सा लाउड होना चाहिए था। हालांकि ड्यूअल स्पीकर दिया है और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन साउंड और भी थोड़ा सा लाउड होना चाहिए था। जनरली मोटोरोला के फोन में जैसे साउंड मिलता है उससे थोड़ा सा डाउन है। खैर चार्ज में लगाकर देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चार्ज हो रहा है, चार्जिंग का सिंबल भी आ चुका है, तो चार्जिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलो डब्बे के अंदर हम लोग फोन को यहाँ पे रख देते हैं और इसके ऊपर हम लोग 2 लीटर पानी को गिराएंगे और देखेंगे दोस्तों फोन डैमेज है कि नहीं। तो चलिए और यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देता हूँ। लगभग हम लोग 2 मिनट के आसपास पानी के अंदर रखने वाले हैं फोन को और देखने ये वाले हैं कि फोन डैमेज होता है कि नहीं। आप लोग के घर में ट्राई मत करना। पहले पानी को मैं डाल देता हूँ बॉक्स के अंदर। इतना रिस्क लेकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करना और आप लोग ये घर में ट्राई मत करना वरना आपके फोन डैमेज हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर आपके फोन बारिश में भीग जाए या पानी में गिर जाए आपके फोन टिकेगा कि नहीं, बस वो दिखाने के लिए मैं ये वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। और 2 लीटर पानी के अंदर मैं यहाँ पे डाला हूँ, तो 1 मिनट के बाद हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से पानी के अंदर डालेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब चलो फोन को टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्मार्ट वाटर टच है वो उतना अच्छा काम करता नहीं है। अब चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। देखिए टच तो ले रहा है, टच ले रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर पानी होने की वजह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए पानी है तो इसके वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर काम ही नहीं कर रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोन को ऑन कर लेते हैं और देखिए अभी काम नहीं कर रहा है। मतलब स्मार्ट वाटर टच कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं करता है। खैर यहाँ पे वीडियो को ऑन करते हैं और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं और 1 मिनट के लिए हम लोग फिर से पानी के अंदर डालेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है, हम लोग करेंगे। तो चलो ऑन करते हैं और फिर से पानी के अंदर डालते हैं और 1 मिनट के लिए रखते हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं और इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है तो अच्छी तरीके से ड्राई कीजिए और 24 आवर्स के लिए स्विच ऑफ करके रख दीजिए। अगर आप स्विच ऑफ नहीं करोगे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएगा तो फोन डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो इससे अच्छा है 24 आवर्स के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। फोन को थोड़ा सा सेक भी कर लीजिए ताकि पोर्ट्स के अंदर जो पानी वगैरह रहेगा वो बाहर आ जाएगा। खैर अब फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, यहाँ पे चेक कर लीजिए और एक बार ट्राई करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर मस्त काम कर रहा है। खैर कैमरा को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा सैंपल क्लिक करेंगे और रियर कैमरा से एक सैंपल खींच लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी दिखाऊं वाटर टेस्ट के बाद क्वालिटी है, मैं ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों जबरदस्त क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कैमरा इसका काफी अच्छा है। चार्ज में लगाकर देखते हैं कि चार्जिंग में कोई भी दिक्कत आया कि नहीं, तो चार्जिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, चार्ज भी काफी अच्छा हो रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग स्पीकर को ऑन करते हैं और साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे। साउंड क्वालिटी थोड़ा सा दबा हुआ आ रहा है, बेसिकली इसका साउंड बहुत ही कम है। तो अगर आप ये फोन ले रहे हो साउंड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन साउंड क्वालिटी में दिक्कत हुआ नहीं है, दबा हुआ साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम साउंड है। अब डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ये भी चेक कर लीजिए। सेटिंग के अंदर जाके अगर मैं स्क्रॉलिंग करके दिखाऊं तो स्क्रॉल भी काफी अच्छा हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे टच में भी कोई भी इशू नहीं है, वाटर टेस्ट में तो ये फोन सर्वाइव कर गया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।